दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनपुट सोर्स के बारे में कि अगर आपके टीवी के ऊपर इनपुट सोर्स आपको खाली नज़र आ रहा है यानी कि वहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता टीवी एवी या अभी कोई भी पीसी वगैरह का जिस तरह ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। इनपुट सोर्स का जो है इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप अपने रिमोट से जो है मेन्यू का बटन आपने प्रेस करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने 1147 अपने रिमोट से प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाला फैक्ट्री सेटिंग का मोड जो है वो शो हो जाएगा। इस मोड में आने के बाद आपने यहाँ पे अपने रिमोट से 2580 प्रेस करना है। 2580 प्रेस करेंगे तो आपको किसी तरह का कुछ शो नहीं होगा, बस आपने अपने रिमोट से ये प्रेस कर देना है और इसके बाद ये इसको आपने एग्जिट कर देना है। ये एग्जिट करने के बाद आपके पास इस तरह की आपकी स्क्रीन आ जाएगी और इसके बाद आपने इनपुट प्रेस करके देखना है तो आपके सामने जो इनपुट सोर्स में जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये देख लें, हम मूड चेंज करके देख लेते हैं जैसे काम भी कर रहे हैं। इस तरह से ये आप जो है इनपुट सोर्स को इनेबल कर सकते हैं। कोड आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपने मेन्यू में जाना है, मेन्यू के बाद 1147 कोड है आपके पास। मेन्यू के बाद जो है उसका सर्विस जो होता है मोड शो हो जाएगा, वहाँ पे आपने 2580 प्रेस करना है। तो इस तरीके से जो है तमाम ब्रांड के जितने भी एलईडी और एलसीडी टीवीज हैं उनका इनपुट सोर्स जो है वो इनेबल कर सकते हैं। तो आप लोगों को मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर भी सलूशन नहीं मिल रहा तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि फ्यूचर में भी आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें।